नमस्ते प्रणाम। हम गरिमा स्वागत करते हैं अपने नई वीडियो के साथ में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वो पीड़ित महिला को जो मतलब रंजना किन्नर के ऊपर केस करी है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सब किन्नर ऐसे नहीं होते हैं, सब किन्नर को से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ तहे दिल से, कि सबको मैं नहीं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ तो सिर्फ रंजना किन्नर को ही बोल रही हूँ, जो बहुत गलत की है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा करना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं टिप्पणी कर रहे हैं कि वो महिला जो है वो गलत है। वो महिला गलत नहीं है, रंजना किन्नर गलत है, समझ में आया। उसको बचाने के लिए वो महिला को झूठ बनाया जा रहा है, लेकिन वो एकदम सही है। अगर उस महिला के पास सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो क्यों जाती केस करती रंजना किन्नर के ऊपर, क्योंकि उस वो महिला एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उससे भी पता है कि अगर हम इससे इसके ऊपर केस करेंगे तो मेरा क्या होगा, उसे भी डर है। लेकिन वो सब समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे भी डर था कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ रंजना किन्नर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि यूट्यूब पर वो फेमस है, वो किसी से मोहताज नहीं है। रंजना किन्नर उसका एकदम फेमस चेहरा है। तो वो छोटे जात की थी तो वो डर रही थी, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा रही थी। इतने दिन चुप रही कि शायद अब खत्म हो जाए। लेकिन रंजना किन्नर का जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, और वीडियो डिलीट नहीं कर रही थी, इसके वजह से उसने केस किया तो बहुत सही किया। वो अपनी लड़ाई लड़ रही, उस बात है जो बोल रहे हैं कुछ लोग कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। अगर उसके पास सबूत नहीं होता तो प्रशासन के पास कैसे जाती, और प्रशासन बेवकूफ़ नहीं है कि बगैर सबूत बगैर कोई चीज़ का प्रूफ का उसको अंदर कर देगा, रंजना किन्नर को सलाखों के पीछे डाल देगा। है प्रूफ तभी उसके लड़ाई वो लड़ रही है, समझ में आया। और रही बात पीले पिलाने की बात कर रही, तो आज के समय में थोड़ा बहुत हर इंसान करता है, डांस करते हैं। वो ऑर्केस्ट्रा पे डांस करती थी या सिंगर थी या गाना गा रही थी, कुछ भी कर रही थी। लेकिन आज के समय में बियर सियर जो हल्का फुल्का ये हर इंसान करते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। और जो उसके साथ में हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम उस महिला के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, उस महिला के साथ में हैं। और जो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि वो महिला गलत है, तो महिला गलत नहीं है। अगर आपके घर में बहन बेटी के साथ में ऐसे गलत होता तो क्या करती आप? मैं अगर वो दोषी है, रंजना किन्नर दोषी है, तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और अगर वो लड़की दोषी है तो लड़की को होना चाहिए, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। लड़की दोषी अगर होती तो उसके पास प्रूफ है, सबूत है, तब वो गई है थाने पे, तब वो केस किया। पुलिस प्रशासन वो बेवकूफ नहीं है जो वैसे ही केस कर देंगे, वैसे ही उसके ऊपर इतना धारा लगा देंगे। ये नहीं दिख रहा है वो धारा कैसे लगा है, जब उसके पास सबूत है तभी उसके पास धारा लगा। और ज्यादा अगर सबूत की जरूरत है तो आप चले जाइए पुलिस थाने में और जाकर पुलिस से मांगिए, वो सबूत आपको दे देंगे। आपको चाहिए वो वीडियो, चाहिए वीडियो कर रही हैं। वीडियो अगर किसी के पास होगा भी तो कोई नहीं देगा, उसकी प्राइवेट वीडियो है। अगर जो देगा वो भी अंदर जाएगा, जैसे रंजना किन्नर अंदर है ऐसे वो देगा, उसका वीडियो वायरल होगा तो वो भी अंदर जाएगा। इसलिए कोई वीडियो नहीं देगा, अगर होगा भी तो कोई नहीं देगा। और ज़्यादा आपको सबूत चाहिए तो आप थाने पर जाइए, पुलिस प्रशासन से जाके मांगिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन अगर फिर समझ में आया तो मैं फिर बोलूँगी ज़रूर, और मैं चुप नहीं रहूँगी। इस महिला के लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि हम भी महिला हैं, सबके साथ में अत्याचार ना हो। महिला हमेशा महिला को ही दबाया जाता है, क्यों महिला को दबाया जाता है? हमेशा महिला ही गलत होती है, क्यों गलत होती है? क्यों महिला के ऊपर उंगली उठाया जाता है? तो इसीलिए ज़्यादा सबूत की ज़रूरत है, तो फिर कह रही हूँ थाने पे जा करके आप सबूत ले लीजिए, लेकिन किसी के ऊपर ऐसे ना बोलिए कि वो महिला गलत है। सबूत है उस महिला के पास, तब वो थाने पे गई है।